तो बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी आपको दे दे बता दें, बिहार बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं और उनका काफिला एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस की ओर जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से पदभार ग्रहण करेंगे आज दिलीप जायसवाल। उनके स्वागत के लिए कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है और इस समारोह में बिहार के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, मेयर, उपमेयर भी इसमें शामिल हैं। और साथ ही हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, बीजेपी कार्यालय में आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं, कितनी तैयारी, क्योंकि अब उनका काफिला एयरपोर्ट से निकल चुका है और थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेगा। रजनीश है क्या, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम पार्टी कार्यालय में जो दृश्य है वो दिखा दे अपने दर्शकों को कैमरे की नजर से। अध्यक्ष पहुंचेंगे तो उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाएगी। एक और यहाँ पे कैंप भी मेडिकल लगाया गया है और मेडिकल कैंप में यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं वो एक जनहित की जो बात होती है उसको लेकर ये कैंप यहाँ पे लगाया गया है। और पार्टी कार्यालय में अलग अलग तरीके से सेवा भाव को लेकर कई सारे कार्यक्रम जो है वो भी यहाँ पे किए गए हैं। और दूसरी ओर एक बड़ा आयोजन जो है वो यहाँ पे अभी थोड़ी ही देर बाद जब अध्यक्ष पहुँचेंगे तो फिर उसका आयोजन जो है यहाँ पे किया जाएगा और इसको लेकर भी अब तैयारी जो है की गई है। आज का कार्यक्रम जो है वो स्वागत समारोह बेहद सफल हो इसको लेकर कई बैठकों का दौर चला है और उसके अनुसार पार्टी के तमाम जो मंच मोर्चा है उनके नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। और अब देखेंगे किस तरीके से लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू है। और ऋतुराज सिन्हा है उनसे हम जान लेते हैं आज किस तरीके से यहाँ पे आज शपथ ग्रहण और नई दायित्व है मिलेगा, कितना पार्टी को ऊर्जा मिलेगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं में अत्यंत उत्साह है। दिलीप जायसवाल जी के अध्यक्ष बनने से जो एनर्जी पार्टी के काडर में है वो आपको देख रहे हैं। पार्टी की एक नॉर्मल प्रक्रिया है, अध्यक्षीय कार्यकाल फिक्स्ड रहता है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और उसके अंदर निरंतर समय समय पे बदलाव होते हैं। उस क्रम में बदलाव हुआ है और मुझे लगता है कि इससे आने वाले समय के अंदर सरकार में भी मजबूती आएगी और चुनाव के भी पुरजोर तैयारी पार्टी करेगी। चुनाव की जो तैयारी है इसको लेकर पार्टी अब कमर कसेगी और नए सिरे से संगठन जो है उसमें तब्दीली आएगी। प्रदेश अध्यक्ष जो है अपने तरीके से तमाम जो संगठन के पदाधिकारी है उनका चयन और गठन करेंगे और इसको लेकर खासा उत्साह है। तमाम सारे लोग जो है आज यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष पहुँचेंगे पार्टी कार्यालय में उनके स्वागत को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और जो स्वागत की तैयारी है वो पुरजोर तरीके से है। किस तरीके से आज स्वागत की तैयारी है?
स्वागत तो हमारी सभ्यता है भाजपा की और स्वागत होते ही रहती है, अभिनंदन होता ही रहता है जो भी नए दायित्व पर आते हैं। आज बहुत ही हर्ष है, उल्लास है पूरे बिहार में, पूरे सीमांचल से वो आते हैं और हम बिहार कटिहार से आते हैं तो हमारे तरफ से भी पूरा अभिनंदन का वहाँ यहाँ स्वागत हुई व्यवस्था है। और सीमांचल में खासा उत्साह है, बहुत उत्साह है वहाँ हर एक, मतलब भाजपा के बाहर के भी जो है वो भी बहुत उत्साहित है और बहुत ही उम्मीद है संगठन को और संगठन मजबूत हो गए उनके बनने से और 2025 के चुनाव में वो देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सुस्वागतम को लेकर जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं उससे सजाया गया है पोर्टिको को और महिला कार्यकर्ता जो हैं, महिला नेत्री यहाँ पे वो उपस्थित हैं और खासा उत्साह है यहाँ पे। तो आज अभिनंदन को लेकर पूरी तैयारी है और सोमवार का भी दिन है, मंदिर में पूजा और उसके बाद यहाँ पे आज मंदिर में पूजा करके आए हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष जी के आने की तैयारी पूरी देख रहे हैं आप। जैसे कि कार्यालय में कितना खुशी का माहौल है, हर किसी के चेहरे पे खुशी है, खासकर महिलाओं में उत्साह है। शंखनाथ के साथ में फूल की वर्षा और सुस्वागतम के साथ में तैयारी की गई है, इसकी तैयारी 3-4 दिन से लगातार महिलाएं कर रही है। आज वो दिन आ गया है जी, तो खासा उत्साह है और पार्टी कार्यालय में धीरे धीरे भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, चूंकि जैसे जैसे पीछे वाले मंच मोर्चा जो स्वागत कर चुके हैं वो दूसरे रास्ते से यहाँ पे पहुँच रहे हैं और काफिला धीरे धीरे जो है प्रदेश अध्यक्ष नए जो बने हैं दिलीप जायसवाल उनका यहाँ पे पहुँचने को लेकर और यहाँ पे कैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो देखिए कि तमाम सारे नेता मंत्री विधायक जो हैं उनकी तो उपस्थिति है ही, अच्छी खासी संख्या में कार्यकर्ता जो है। आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सबसे पहले अपने दर्शकों को वो